हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 19 अप्रैल और दिन है शुक्रवार का। सुबह का समय हो रहा है तो सबसे पहले हम आ चुके हैं बगिया। तो बगिया में सारे काम बुआ ने कर लिए हैं, जो भी सुबह के काम होते हैं गोबर कूड़े के। और उसके बाद में हम आ चुके हैं घर पर, तो अब करेंगे घर की साफ सफाई। तो सबसे पहले मैंने घर में झाड़ू लगाया है, उसके बाद में यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर अंदर की मैंने झाड़ू लगा दी है, यहाँ पर भी लगा देते हैं और फिर चलेंगे छत पर। छत पर बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, क्योंकि इन दिनों में पूरा दिन हवा चलती है तो बहुत सारा कूड़ा आ जाता है और छप्पर से भी टूट टूट कर गिरता है। और अभी आरोही सो रही है, आरोही नहीं उठी थी। और इधर हम आ चुके हैं छत पर, तो यहाँ की पूरी छत की अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। वैसे चूल्हे की पुताई तो नहीं करनी है, चूल्हे की पुताई मैंने कल ही कर दी थी। और शाम का खाना इन दिनों में चूल्हे पर नहीं बनता है, गैस पर ही बन जाता है। तो यहाँ पर जो भी लकड़ी फैली पड़ी है, सबसे पहले मैंने कहा लकड़ी इकट्ठा करके रख देते हैं, क्योंकि ये वही वाली लकड़ी है जो हम लोगों ने पहले डाली थी जब ये छप्पर नया बनाया था। तो वही लकड़ी सारी गिरती है नीचे को अब, और बहुत सारा कूड़ा भी गिरता है। इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, जबकि अभी इधर की साफ़ सफाई करनी बाकी है। तो इधर की भी हम अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे। और हल्की सी धूप भी आ चुकी है, तो अब चलेंगे नीचे यहाँ की पूरी साफ़ सफाई करके। और फिर मैंने नहा लिया है, पूजा हो चुकी है और चाय नाश्ता भी हो चुका है। चाय नाश्ता नीचे ही हो जाता है, क्योंकि गैस पर ही चाय बन जाती है। बस खाना यहाँ पर बनाएंगे। और इधर चूल्हा मैंने जला दिया था, तो चूल्हा पहले से ही अच्छे से जल चुका है। चूल्हा जलाने में इन दिनों में टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी पहले से ही चूल्हा जला देते हैं। और हवा चलने लगी है, क्योंकि रोज़ ही हवा जल्दी से ही चलने लगती है, तो खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चूल्हे पर। लेकिन मैंने कहा सब्जी और रोटी आज चूल्हे पर ही बनाएंगे। कल तो मैंने पूरा खाना नहीं यहाँ पर बनाया था, आज पूरा खाना यहीं पर बनाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्जी। और वैसे तो हम भिंडी भरवा वाली बनाते, लेकिन ये भिंडी जो आरोही के पापा लेकर आए थे, ये अच्छी भिंडी नहीं थी, बिल्कुल सूखी सूखी भिंडी थी। और शाम को तो हरी हरी लग रही थी, लेकिन रात भर में ऐसी भिंडी हो गई है, बिल्कुल सूख गई है, क्योंकि लू लपट बहुत तेज़ चल रही है। और वैसे हरी सब्जियाँ जब फ्रीज होती है तो अच्छे से रख लो तो अच्छी बनी रहती हैं, लेकिन मैंने कपड़े से लपेट कर रखी थी सारी सब्जियाँ, फिर भी सूख बिल्कुल सूख गई हैं। जो धनिया आया था हरा धनिया, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से सूख गया है। मिर्च भी सूख गई हैं, जो भी हरी सब्जियां थी वो सूख चुकी हैं। और धनिया तो मैंने गिलास में करके रख दिया था, तो नीचे का धनिया पूरा का पूरा सड़ गया है। तो आधा करके धनिया मैंने निकाल लिया था जो ऊपर का था, और नीचे का सारा धनिया फेंकना पड़ा था। और यहाँ पर सब्जी मैंने छौंक दी है। पहले मैंने थोड़ी सी भिंडी को फ्राई कर लिया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आए। और टमाटर भी, दो टमाटर मैंने डाले हैं भिंडी में। और इधर सब्जी मैंने छौंक दी है, अब ढककर रख देते हैं, क्योंकि सब्जी तो बहुत जल्दी से बन जाती है जो भिंडी की सब्जी होती है। और इधर हम आटा भी लेकर आ गए थे, तो आटा तब तक हम लगा लेते हैं, क्योंकि आटा लगा कर रख देंगे तो रोटियां भी हमारी अच्छे से बन जाएंगी। और उसी बीच हम चले गए थे आरोही को तैयार करने के लिए, क्योंकि आरोही जाएगी स्कूल, तो इसको आज मैंने पहले से नहीं तैयार किया था। हम लग गए थे खाना बनाने में, आज जल्दी से आ गए थे छत पर खाना बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो आरोही को भी तैयार कर देते हैं। तो आटा छान कर ही मैंने रख पाया था, तभी हम बीच में चले गए थे आरोही को तैयार करने के लिए। और यहाँ पर बैठे थे आरोही के पापा, तो मैंने उनसे बोल दिया था कि तब तक यहीं पर रुकना, तब तक हम आ रहे हैं आरोही को तैयार करके। तो मैंने आरोही को तैयार कर दिया है, और शायद आरोही चली गई है स्कूल, तो खाना तो रोज़ की तरह हम बाद में ही भिजवाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी से खाना नहीं बन पाता है। तो बाद में जब आरोही के पापा जाते हैं दुकान पर तो भिजवा देते हैं। और इधर आटा लगा कर रख लिया था, तो आटा भी हमारा अच्छे से बन चुका है, और सब्जी तो बहुत जल्दी से बन गई थी। और चूल्हा एकदम से इतनी तेज़ जलने लगता है, कभी कभी तो बिल्कुल बुझ जाता है और कभी कभी तेज़ जलने लगता है। वैसे रोटियां तो जल्दी से सिक जाती हैं, चूल्हे पर आराम रहती है, तो मैंने कहा चलो क्यों ना चूल्हे पर ही रोटियां सेक लेते हैं। वैसे तो हवा तो तेज़ चलती है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब लपट इधर उधर हो जाती है।
और सारी रोटियां हम मोटी वाली सेकेंगे, क्योंकि अकेले ही सेक रहे हैं और थोड़ी सी ज़्यादा भी रोटियां सेकनी पड़ जाती हैं। दोपहर के लिए भी इतने ही टाइम रोटियां सेक लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब खाना कम पड़ जाता है तो दोपहर में खाना दोबारा से बन जाता है, लेकिन जब खाना कम नहीं पड़ता है तो हम लोग नहीं बनाते हैं। और पापा अगर नहीं खा पाएंगे तो पापा के लिए थोड़ी सी पतली रोटी हम नीचे गैस पर सेंक देंगे, क्योंकि उनके लिए जो है ना कि पतली रोटियां सेंकनी होती हैं और हम सभी लोग तो मोटी रोटी ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी रोटियां सेंक चुकी हैं और बहुत ही अच्छे से रोटियां हमने सेंकी हैं, सारी रोटी मोटी वाली ही सेंकी हैं। और इधर ये एक रोटी हमारी बाकी रह गई है जो कि लास्ट वाली, और आज हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि लास्ट वाली जो रोटी है थोड़ी सी हम बड़ी बनाएं। आज छोटी सी रोटी मैंने बनाई थी, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि थोड़ी सी बड़ी रोटी बनाओ जो लास्ट वाली बनती है, और आज थोड़ा सा ही आटा बचा था तो मैंने उसी की रोटी बना दी थी। और यहाँ पर पीछे वाले घर में यहाँ पर बुआ और हमारी नंदा जी गेहूँ साफ कर रही हैं, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया है तो आज ही बैठ गई हैं गेहूँ साफ करने के लिए। तो बस थोड़े से बाकी रह गए और हम बुलाने के लिए आए थे कि चलो खाना खा लो चल के, उसके बाद में जो भी बाकी के गेहूँ रह गए हैं वो बाद में बना लेना। लेकिन फिर हमारी नंदा जी ने सारे गेहूँ साफ कर लिए थे, उसके बाद में ही आई थी, और हम सभी लोगों ने खाना खा लिया है और हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं। काफ़ी टाइम के बाद में आप सभी से मिले हैं और थोड़ा बहुत हम लोगों ने आराम भी किया था, बातें आते की थी, उसके बाद में हम काम में लगे थे। और बर्तन धुल चुके हैं, बस तुरंत से अब धुल लेते हैं कपड़े। और इन दिनों में कपड़े तो इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, आरोही के पापा दुकान पर और कपड़े पहन कर जाते हैं और घर में जब काम पर जाते हैं जैसे गेहूं की कटाई के लिए या कुछ और काम तो और कपड़े पहनते हैं, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं और एक दिन एक ही कपड़ा पहन कर जाते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। वैसे खेती के काम में ये जो है ना कि रोज़ रोज़ बदलने के कपड़े ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं उनकी कैसी आदत है कि रोज़ ही बदल कर कपड़े जाएंगे, जो धुले हुए कपड़े होते हैं वही पहन कर जाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी कपड़े हो गए हैं वो धुल लेते हैं। और कुछ कपड़े आरोही के पापा के नए वाले कपड़े भी थे तो मैंने सारे कपड़े याद धुल दिए हैं, और वहाँ पर तो आप सभी जानते हैं हम नहीं धुल पाते हैं कपड़े, जब थोड़े कपड़े होते हैं एक दो तो धुल लेते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ पर आते हैं सरकारी वाले नल पर या फिर जाते हैं बगिया को। तो आज यहाँ पर कोई नहीं था तो मैंने कहा चलो यहीं पर धुल लेते हैं, और अभी हम बिल्कुल बच गए कि गिर जाते यहाँ पर, हमारा पैर फंस गया था और साड़ी फंस गई थी तो एकदम से हमारा पैर जो है ना कि रपट गया, तो बहुत ही मुश्किल से हमारा जो शरीर है वो मैंने रोक पाया। और यहाँ पर जल्दी हो जाती है थोड़ी सी, बस पानी इतना तेज ये नल देता है कि जल्दी से बाल्टी भर लो और बस झट से कपड़े सारे धुल लो। तो दो तीन बार अच्छे से कपड़े धुल लेंगे और जो भी कपड़े हल्के हल्के हैं वो उधर वहाँ पर टांग देंगे, तब तक जो भी पानी है वो निकल जाएगा, और उसके बाद में फिर पीछे वाले घर में ही सारे कपड़े फैला देंगे। और एक हमारी दीदी जी ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया था कि अगर आप हमारे घर के आसपास हो तो आपके यहाँ हम दो चार बाल्टियाँ दे दें। तो जी दीदी, काश हम आपके घर के पास में होते, कि कुछ तो आपने हमें समझा कि काश हम आपके घर के पास में होते तो आप हमें दो चार बाल्टियाँ दे देती, क्योंकि हमारे घर अभी इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं हो पा रही है, और हो भी जाती है फिर भी गांव में इतनी जो भी सुविधाएं शहर में हो जाती हैं, जैसे शहर में जो लोग रहते हैं हर चीज़ अलग अलग रखते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाती है गांव में, चाहे कितना भी हम लोग कर लें। लेकिन देखते हैं धीरे धीरे हम भी थोड़ा बहुत सुधार करेंगे, तो बाल्टी तो हम बहुत जल्दी से लाएंगे, और लाएंगे ये प्लास्टिक वाली जो बाल्टियाँ होती हैं वही वाली हम लाएंगे, अगर ज़्यादा नहीं ले पाएंगे तो दो बाल्टी ज़रूर ही लेंगे जो कि अलग अलग हम रख सकें, कपड़े धुलने वाली अलग रखें और जो पोंछा लगाने वाली है वो अलग रखें बाल्टी। और वैसे तो हम लोग अच्छे से बाल्टी को धुल लेते हैं, जब भी कोई काम करते हैं तो अच्छे से बाल्टी और जो भी बर्तन होते हैं वो अच्छे से धुल कर उसके बाद में ही दूसरे काम में यूज करते हैं। तो आज हमें करनी थी लिपाई, जो कि आप सभी को कल मैंने बताया था कि कल बृहस्पतिवार थी तो मैंने लिपाई कल नहीं की थी, तो आज हमें लिपाई करनी है। तो
तो मैंने बाहर से लिपाई करना शुरू किया है और बाहर की लिपाई हमारी हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ की लिपाई करेंगे और आज हम लिपाई करेंगे डिजाइन वाली, जो कि हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया था कि कुछ अलग लिपाई करके दिखाया करो तो अच्छी लगेगी, रोज़ रोज़ एक तरीके की लिपाई अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने आज कहा कि चलो लहरिया वाली लिपाई करते हैं और यहीं पर मैंने सिर्फ लहरिया वाली लिपाई की थी, पूरे में नहीं की थी क्योंकि हमारी नंदत जी आ गई थी तब तक, तो वो बोलने लगी कि अच्छी नहीं हो रही है। और नंदत जी की जो लिपाई है उसके आगे हम लोगों की लिपाई बिल्कुल फैल है, तो वो अच्छे से लिपाई कर लेती हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि चलो हम कर देते हैं लिपाई और यहाँ पर करनी है और बस अब विराम देगी, कमरे की नहीं करेंगे, बस बाहर बाहर की ही लिपाई करेंगे। और कुछ इस तरीके की लहरियाँ मैंने बनाई हैं, लेकिन लगती अच्छी है, जब सूख गई थी बहुत ही प्यारी डिजाइन लग रही थी, लेकिन कुछ अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से नहीं बन रही है और हमारी नंदत जी से कुछ ज़्यादा अच्छे से बन जाती है, क्योंकि हम लोग जो है न कि इतने अच्छे से कर तो लेते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं उनकी कुछ और ही बात होती है जब लिपाई करते हैं, अलग अलग सभी की लिपाई पुताई सभी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ लोग जैसे है ना कि रोटियां अच्छे से बना लेते हैं, कुछ लोग सब्जी अच्छे से बना लेते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इतने में ही बस डिजाइन वाली लिपाई की थी और ये जो मशीन रखी है ये पहले अंदर बरामदे में रखी थी और अब मैंने यहाँ पर रख दी है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था और जो है ना कि सिलाई करने के लिए बैठते थे तो अंधेरा लग रहा था और ये सही से सेट भी नहीं वहाँ पर हो रही थी, कहीं तो ऊंची जगह है कहीं तो खाली जगह है, तो उसी वजह से एक जो इसका एक हिस्सा जो है वो नीचे रहता था, तो जब भी हम मशीन चलाते थे तो एकदम से ऊंची नीची हो रही थी, कटर कटर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो यहीं पर इसको उठा कर रख लेते हैं। और यहाँ पर हमारी देवरानी जी भी आ गई थी लिपाई देखने के लिए, क्योंकि वो भी सीख रही हैं। देवरानी जी से तो बिल्कुल भी लिपाई नहीं अभी बनती है, जब हम ज़्यादा कुछ काम करने लगते हैं रोज़ या दूसरे तीसरे तो वो काम जल्दी से आ जाता है, और देवरानी जी ने बहुत दिनों से लिपाई नहीं की थी, अब की बार लिपाई पुताई की है तो अब धीरे धीरे वो भी लिपाई करना अच्छे से सीख जाएंगी। और वैसे भी हम लोग लिपाई पुताई करने में बिल्कुल पीछे हैं, हमारी नंदत जी जो है ना कि उनकी लिपाई बहुत ही अच्छे से होती है। और आज मैंने गेरू थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलाया है, एकदम से लाल लाल लिपाई हमारी हो रही है, मैंने कहा चलो अच्छे से लिपाई हो जाए थोड़े बहुत दिन चले। और इन दिनों में वैसे भी घर आंगन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है घर में, इतना ज़्यादा कूड़ा आता है कि कुछ कहना ही नहीं, तो आज तो एकदम से घर आंगन हमारा चमक उठा था, लेकिन दूसरे दिन तो ऐसी हालत हो जाती है घर आंगन की, फिर से वही हाल हो जाता है, धूल मिट्टी और जो लिपाई होती है वो भी बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से झुकिया वाली ही लिपाई कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका था और हमें थोड़ा सा आराम भी करना था इन दिनों में, आप सभी जानते हैं सर्दी जुखाम बहुत तेज़ चल रहा है, सभी को सर्दी जुखाम और हल्का सा बुखार भी रहता है, तो उसकी वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी से लिपाई कर लेते हैं और थोड़ा सा आराम कर लेंगे, और आराम करते हैं उसी समय हम अपना जो भी YouTube का काम होता है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि सो तो नहीं पाते हैं, सोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दिन में, कभी आरोही इधर से आ जाती हैं, कभी तो आरब रोने लगते हैं, तो ऐसी हालत में कोई सो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस घर में बच्चे अच्छे होते हैं वो लोग सो नहीं पाते, या तो एकांत निकल जाओ वहाँ पर सो। और नए वाले कमरे में हमारे इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, टीन पड़ी है ऊपर की साइड में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वहाँ पर तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, यहीं पर सभी लोग रहते हैं, इतने ही बीच में सभी लोग रहते हैं हम लोग, और जबकि ही आरोही के पापा तो दुकान पर ही चले जाते हैं और पापा बगिया में रहते हैं या फिर पीछे वाले घर में, पीछे वाले घर में भी इन दिनों में थोड़ी बहुत गर्मी लगने लगी है, क्योंकि थोड़ा सा ही है जिसमें छप्पर पड़ा है, वैसे थोड़ा सा और हो छप्पर वाली जगह तो इतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे। और जब लिपाई पुताई हो जाती है तब तो घर आंगन एकदम से चमक उठता है, और जब तक लिपाई पुताई नहीं होती है तब तक तो एकदम से
ऐसा लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें। और जब पुताई कल वाले दिन हमारी नंदत जी ने की थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी यहाँ से छूट रही थी कि कोई अगर बैठ जाता या फिर आरब को बैठाल देते तो एकदम से सारी मिट्टी कपड़ों में ही लग जाती थी। और लिपाई करने से ऐसा नहीं होता है, लिपाई करने से बिल्कुल भी गोबर उबर नहीं छूटता है। तो लिपाई हम लोग जल्दी जल्दी कर देते हैं, पुताई सुबह के टाइम करते हैं और शाम को हम लोग लिपाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो बिल्कुल बालू वाली है। तो बालू वाली जहाँ जहाँ भी ज़मीन है वो लोग जानते हैं कि कितनी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। और इधर हमारी लिपाई हो चुकी है, थोड़ी बहुत ही आप सभी के साथ में लिपाई शेयर की है, ज़्यादा नहीं शेयर की है। और इधर जिस तरफ खटिया पड़ी है वहाँ पर सिर्फ पुताई है, वहाँ पर मैंने लिपाई नहीं की है, क्योंकि अभी हम जल्दी से फिर से दोबारा से लिपाई करेंगे, तब पूरे में लिपाई कर देंगे, तब तक के लिए मैंने छोड़ दी है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं रात के टाइम में, लगभग बज चुके हैं 9:30। तो तब मैं हमको ध्यान आ गया कि अभी पैरों में रंग भी लगाना है, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से कलर लगा लेते हैं पैरों में। और यहाँ पर बस लग चुका है हमारे पैरों में रंग, बस थोड़ा बहुत बाकी है तो उसको भी सही कर लेते हैं। और आज हमारी देवरानी जी ने भी कलर लगाया है, मैंने भी लगाया है। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपने और आपकी नंदत जी ने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो मैंने बीए किया है और हमारी नंदत जी ने इंटर किया है, उनकी पढ़ाई अब बंद है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक, आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, आप हमेशा खुश रहिएगा।